चलिए आज की क्लास में पीएचपी में हम असाइनमेंट नंबर 39 जो है उसको करेंगे। असाइनमेंट नंबर 39 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमको इनपुट में कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर देना है और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो और उसके लिए हमको एक फंक्शन राइट करना है, तो फंक्शन राइट करके हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करवा सकते हैं पीएचपी में। क्लियर। पीएचपी में कैसे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पर तीन विंडो यहाँ पर ओपन है। पहला जो विंडो है वो ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल है। आपको पता है कि पीएचपी में ज़ैम्प सर्वर जो है वो एक्टिव होना चाहिए और हमने ज़ैम्प सर्वर के थ्रू पीएचपी को रन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सिस्टम में क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ रन हो रहे हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अपाची और MySQL का सर्वर की सर्विसेज स्टार्ट है और उन्होंने पोर्ट नंबर और प्रोसेस आईडी को लेकर के अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर इनका स्टेटस जो है रनिंग स्टेटस में ज़ैम्प जो है डी ड्राइव में इंस्टॉल है। इस वजह से अगर मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ लोकल होस्ट, तो ये मेरे ज़ैम्प के फोल्डर में साइन नाम का फोल्डर है, उसमें test2.php उस कोड को रन कर रहा है। सेम फाइल यहाँ पर आपको ओपन मिलेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोकेशन जो दिख रही है, बट रन करते समय ये लोकेशन जो है वो हाइड कर दी जाती है। यहाँ पर हम कोड करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ रीलोड करेंगे तो आपको आउटपुट दिखाई देगा। क्लियर है। जैसे अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर ये चेंज कर दिया है तो रीलोड करने पर ये आउटपुट मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 39 की ओर। हम यहाँ पर पहले पुराना जो लास्ट क्लास का डेटा है उसको क्लियर कर देते हैं और हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फिलहाल हम यहाँ पर लूप को छोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 39, मैं आपको फिर से बता दूं कि HTML पेज यहाँ पर ओपन हुआ है। स्टाइल प्रॉपर्टी हमने लगाई है, CSS लगाया है बॉडी के ऊपर जो कि हेड में ही होता है, बाय डिफॉल्ट हेड में ले लिया है। बॉडी सेलेक्टर लगा करके हमने कलर रेड और ये 24 साइज़ किए ताकि ये रेड कलर में और बड़े आकार में हमको दिखाई देगा। उसके बाद मैंने बॉडी में हेडिंग टैग लगाई है असाइनमेंट नंबर 39 जो इसको डिस्प्ले करता है। नीचे यहाँ पर PHP टैग स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर PHP टैग ख़त्म हो रहा है। इसके बीच में हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। तो पहले हम एरे का सॉरी पहले हम विदाउट फंक्शन एंड विदाउट फॉर्म के बनाएंगे, उसके बाद फॉर्म के साथ और फंक्शन के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं फिलहाल अभी इनपुट को छोड़ देता हूँ कि इनपुट हमारा फिक्स है जिसमें हमने कोई भी फंक्शन नहीं बना रखा है, ऐसे PHP स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्रिप्ट लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें डायरेक्ट बिना किसी फॉर्म के स्टैटिक वैल्यू दे देता हूँ। मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू जो है वो 5 ले लेता हूँ और एन ले लेते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं फैक्ट, इसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू हमेशा आपको 1 लेना है। अगर आप इसको 0 ले देते हैं तो पूरे फैक्टोरियल जो है 0 से मल्टीप्लाई होता है और वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। इस फैक्टोरियल को समझने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ डिटेल भी बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको इस तरीके से मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका यूज़ बहुत सारे कैलकुलेशंस में, AI के प्रोग्राम में, आपके जितने भी गेम्स होते हैं उनमें लॉजिक क्रिएट करने के लिए इस मैथमेटिकल टर्म का यूज़ किया जाता है, फैक्टोरियल टर्म का। और फैक्टोरियल का मीनिंग होता है अगर किसी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर से ले करके 1 तक आपको डिक्रीजिंग सीरीज में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलें सीरीज में, आपको नंबर लिखना होगा और सबकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद टोटल आउटपुट जो आता है उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूं तो 5 का फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। याद रखना ये 0 तक नहीं जाना है क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो होता है 120।
इसको आप जो भी आपके एआई बेस्ड गेम गेमिंग कंसोल होते हैं, जैसे चेस बोर्ड हो गया और आपका पिन बॉल हो गया, जितने भी आप गेम खेलते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर आपके साथ प्ले करता है या एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग है, वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर फैक्टोरियल का यूज़ होता है। तो हमको उतना अभी डीप में नहीं जाना है, एआई वगैरह में नहीं जाना है, हमको सिंपल एक इनपुट लेना है 5, देन उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आउटपुट में आना चाहिए 120। ठीक है, 6 देने पर आउटपुट में आना चाहिए 720, क्योंकि 720 आना चाहिए, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल जो होगा वो क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 1, जो कि 720 होता है। क्लियर है? फैक्टोरियल को रिकर्सिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लूप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कई तो मायनों में मैं ऐसा बोलूँ कि फैक्टोरियल 5 को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 = 5 × फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 की जो फैक्टोरियल होता है वो 4 × 3 × 2 × 1 होता है। इस तरीके से इसको रिकर्सिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका फैक्टोरियल वाला टर्म है। फिलहाल देखते हैं कि पीएचपी में कोड करके हम इस कंसेप्ट को कैसे अचीव करेंगे। तो चलिए आइए अपना आते हैं अपने पीएचपी के कोड पर। ये हमारा जो कोड था पीएचपी का, इसमें हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। मैंने 5 यहाँ पर दे दिया है, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो निश्चित सी बात है हमारा जो लूप है वो 1 से चलेगा 5 तक, इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, जो एन वैल्यू आपने दी है। हमेशा याद रखिए लूप 1 से ही चलाना है, इसमें 0 का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना है आपको। लूप अगर 0 कहीं भी आया तो वो N2 0 करके पूरा का पूरा वैल्यू 0 कर देगा। तो लूप 1 से लेकर के 5 तक चलेगा और 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करेगा। तो आप 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करें या 5 × 3 × 2 ×1 करें, एक ही मतलब है। चाहे आप इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें चाहे उस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अब जब यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू मैंने 1 ले ली है, यानी कि मिनिमम वैल्यू, फैक्टोरियल जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है, जो होती है 1। तो अगर मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसका मेरा फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू इनटू जो आपकी नई वैल्यू है। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पर फैक्टोरियल में क्या होगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट लूप में यहाँ पर वैल्यू होगी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 × 1 से। क्लियर? सेकेंड टाइम में क्या होगा, 1 होगा और यहाँ पर जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1 और इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से, जो हो जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 6। मेरे ख्याल से आपको स्टेप समझ में आ रहे होंगे। फिर 6 होने के बाद इस 6 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो 24 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 120। और लूप खत्म हो जाएगा लास्ट में, फैक्टोरियल में यहाँ पे 120 होगा और इसको हमको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल इज और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फैक्ट। क्लियर है? तो ये हमारा जो कोड है वो रेडी है और इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैंने ये प्रोसेस दिखाया था केवल आपको, ठीक है? तो ये प्रोसेस मैंने दिखाया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपका जो फैक्टोरियल है वो 120 जो है यहाँ पर, इस तरीके से हम अगर इसकी वैल्यू चेंज कर दें, जैसे मैं यहाँ पे 6 करके सेव कर देता हूँ और दोबारा जब लोड करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आउटपुट जो है वो 720 है। मैं इसको और आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसकी लिमिट बढ़ाते जाऊँ, 7 कर देता हूँ, तो क्या होता है आउटपुट। देखिए ये हो गया, आप कैलकुलेटर में चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने 9 कर दिया तो देखिए क्या आपका आउटपुट हो रहा है। इस तरीके से फैक्टोरियल बढ़ते जा रहा है। बोलने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये तेज़ी से बढ़ने का मतलब है कि आपके पास प्रोबेबिलिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, मतलब उसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं।
बोला जाए कि अगर मैं हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं तो हमारे पास कितनी संभावना है जब 9 बॉक्स में हमारा जो है निशाना सही लगेगा। तो जैसे चेस बोर्ड में आपके पास 8 प्यादे होते हैं, तो 8 प्यादे होते हैं तो कितनी संभावना है कि वो प्यादे इतना सही चाल चलेंगे। तो उसमें संभावनाएं निकालने के लिए या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल टर्म का यूज़ होता है। जितने ज़्यादा आपके नंबर्स होंगे प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतने ज़्यादा उसके जो चाल हैं वो बढ़ जाएंगे आपके चेस बोर्ड में प्यादे के। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब दूसरा तरीका हम देखेंगे कि ये जो नंबर है हम यूज़र से ले सकते हैं। लेने के लिए हमको यहाँ पर एक फॉर्म बनाना होगा। तो फॉर्म टैग में हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और फॉर्म का जो एक्शन मेथड देते हैं, मेथड को गेट यूज करेंगे हम। और यहाँ पर फॉर्म टैग हमने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर हमको इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देते हैं एंटर ए नंबर, यहाँ पर लिखा और इनपुट ले लीजिए। यहाँ पर इनपुट इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमने इनपुट लिया है और यहाँ पर इनपुट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और बटन टाइप इक्वल टू इक्वल टू सबमिट, ठीक है। मैंने सबमिट ले लिया। सबमिट जो बटन होता है वो आपका फॉर्म के डेटा को सेंड करता है सर्वर के पास, जो स्क्रिप्टिंग की जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म को मैंने एंड कर दिया और बटन बनाया है। जब मैं यहाँ पर लोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एंटर ए नंबर और ये सबमिट बटन आ रहा है, क्लियर है। तो सबमिट को हम नीचे भी ला सकते हैं BR वगैरह कर करके। जब मैं यहाँ पर इसमें कोई नंबर लिखूँगा और जब सबमिट करूँगा तो आपको मैंने बताया कि यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पोस्ट की जाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका वैल्यू जो है वो पोस्ट करेगा लास्ट वैल्यू को। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इनपुट में नम नाम का जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, यहाँ पर जो भी हम वैल्यू देंगे वो पोस्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए गेट मेथड से पोस्ट किया जा रहा है और PHP स्क्रिप्ट इस नंबर को फेच करेगी और फिर वहाँ पर वो कैलकुलेट करेगी। तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म जो है HTML का पार्ट है और फॉर्म में जो सबमिट बटन होता है वो आपकी इनपुट जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को सर्वर पे सेंड करता है। तो हमारा जो इंटरफेस है वो तो रेडी है। अब देखते हैं जो आउटपुट आने का है वो क्या आने का है। तो यहाँ पर जो ये n की जो वैल्यू आ रही है 8, ये कैलकुलेशन तो पूरा परफेक्ट हो रहा है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो 8 वैल्यू थी वो वैल्यू अब फॉर्म से आएगी। फॉर्म से वैल्यू लेने के लिए हमको क्या यहाँ पर लिखना पड़ता है देखेंगे ध्यान से। डॉलर के बाद हमको गेट लिखना होगा क्योंकि हमने गेट मेथड से यहाँ पर सेंड किया है। दो मेथड होते हैं फॉर्म के, गेट और पोस्ट। अगर पोस्ट मेथड से सेंड करते तो यहाँ पे पोस्ट लिखना होता और पोस्ट मेथड गेट मेथड से लिखने के बाद हमको जहाँ से वैल्यू रिसीव करनी है उसका नाम लिखना होगा। ये नम नाम का जो बॉक्स है उससे हमारे पास इस बॉक्स का नाम नम है और जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू सेंड करते हैं तो ये वैल्यू ऐसे जाती है नम इक्वल टू 6, एक प्रकार का वेरिएबल जैसा है। तो नम से वैल्यू हमारी फेच होगी गेट मेथड के द्वारा एन में और एन का फिर फैक्टोरियल निकाला जाएगा और फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए देखते हैं, अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा लोड करते हैं और जब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दूंगा 5 तो ये हमारा फैक्टोरियल 120 निकाल दिया। यहाँ पर मैं दिया 3, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, मैंने दिया 4, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 5 का होता है 126 का होता है। इस तरीके से हमने फंक्शन सॉरी फैक्टोरियल को यूज़र के द्वारा इनपुट लेकर के कैलकुलेट किया। ये आपका असाइनमेंट नंबर 39 जो है कवर हो गया है।
यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि हमने दो मेथड से देख लिया। पहले तो स्टैटिक वैल्यू दे दी, उसके बाद फॉर्म से ले ली। अब ये बोल यहाँ पर बोला गया था कि आप एक फंक्शन बनाइए और फंक्शन को कॉल करिए और फिर कैलकुलेट कराइए। तो हमारे पास कोड तो रेडी है, यानी फंक्शन की बॉडी रेडी है, फंक्शन को केवल कॉल करना है हमें। तो हम सिंपल सा कोई भी अगर कोड हमारे पास है तो उसको फंक्शन में रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। केवल उस ब्लॉक ऑफ कोड को उठाइए और फंक्शन के अंदर रख दीजिए ताकि वो सेपरेट हो जाए, सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक बन जाए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पर मैं अपना कोड ओपन कर देता हूँ और सबसे पहले ओपन करते हैं अपना, और कोड में हमारे पास ये सारी चीज़ें मिली हुई है। तो फंक्शन यहाँ पर हम कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, मान लो जो कैल्क रख देते हैं। फंक्शन का नाम हम क्या रख देते हैं, कैलकुलेटर के लिए कैल्क रख दिए, और फंक्शन को यहाँ पर एंड कर दिए। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पर हमने एंड कर दिया है और फंक्शन का नाम रखा है कैलकुलेटर। फंक्शन में सारा कोड रख दिया है और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैंने इस पूरे के पूरे कोड को उठाया और इस पूरे के पूरे कोड को उठा करके एक फंक्शन के अंदर रखा। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। उसके अंदर कितने भी लाइन का कोड लग सकते हैं। हमारे पास कोड पहले से था, ये कोड पहले से हमारे पास है। तो इस कोड को मैंने पहले जो ओपन था ये कोड, उसको फंक्शन के अंदर रख दिया है और इस फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। तो PHP में मैंने नीचे यहाँ पे कॉल कर दिया है, क्लियर है। दो बार कॉल करेंगे तो दो बार आउटपुट आएगा, तीन बार कॉल करेंगे तो तीन बार आउटपुट आएगा। अगर ये आप इसको कॉल नहीं करते हैं तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो एक्टिव नहीं होगा या काम नहीं करेगा। पहले ये ओपन था तो उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट एक्टिव होके काम कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर कॉल कर रहे हैं हम नीचे पर, क्लियर है। तो नीचे पर कॉल करेंगे, सेम वही आउटपुट हमको यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि मैं इसको लोड कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट अगर मैं 6 लेता हूँ तो 728 लेने पर जो आपका वैल्यू था, 3 लेने पर जो इसकी फैक्टोरियल का वैल्यू था वो आएगा। तो इस तरीके से हमने इनका जो स्टेटमेंट बोला गया है हमारे असाइनमेंट में कि राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट, एक फंक्शन लिखिए कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल का, क्लियर। तो हमने एक फंक्शन यहाँ पर राइट किया और ये हमारा असाइनमेंट नंबर 39 जो है वो कवर हो गया है। और इसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं।